मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हल्द्वानी को आज बड़ी सौगात दी है। जी हां, 1 अरब 13 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात आज हल्द्वानी को मिली है और आज कह सकते हैं हल्द्वानी के लिए बहुत ही अच्छा दिन। इसके अलावा 185 परिवार को जमीन का मालिकाना हक दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कालाडूंगी क्षेत्र के 49 भूमिहीनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए जमीनों के पट्टे भी बांटे हैं। वहीं आयुष्मती योजना के लाभार्थियों को भी आई कार्ड वितरित किया गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं आज हल्द्वानी में जब मुख्यमंत्री मौजूद थे तो हल्द्वानी के लिए आज बेहद ही अच्छा दिन रहा। आज 1 अरब 13 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात हल्द्वानी को मिली है। यूपी विकास में अगर भ्रष्टाचार होता है या वो जनता को कहीं तकलीफ दे होता है, वो सुख नहीं दे सकता है, और इसलिए आज तमाम योजनाओं को हम लोगों ने यहाँ पर शिलान्यास भी किया है, लोकार्पण भी किया है। तमाम ऐसे क्षेत्र जो गरीब तबकों से जुड़े हुए, जैसे लोगों को पट्टे दिए गए, जो प्रधानमंत्री जी की आवास योजना है, स्वास्थ्य के लिए तमाम योजनाएँ यहाँ पर आज लॉन्च की गई हैं। तो हमारा ध्यान एक तो ईमानदारी, पारदर्शिता, जब विकास और गरीब ये हमारे सामने हर समय हमारे सामने रहता है, उनके तमाम योजनाएं हमने लागू की हैं। सहयोगी दिनेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, कह सकते हैं आज अच्छा दिन रहा हल्द्वानी के लिए, कई विकास योजनाओं की यहां सौगात हल्द्वानी को मिली है, लेकिन एक बात जो सीएम कह रहे हैं कि पारदर्शिता, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन विकास योजनाओं की शुरुआत की है जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। दूसरी तस्वीर देखने को मिली कि कांग्रेस ने काले झंडे दिखाए, काले गुब्बारे दिखाए, काफिले में भी कोई अंदर तक पहुंच भी गया था। ये दोनों तस्वीर को का जरा जिक्र कीजिए दिनेश, बताइए कि किस तरीके से अच्छा दिन भी रहा लेकिन बार बार पारदर्शिता की बात करती है सरकार, सरकार के ऊपर आरोप भी लगते हैं। जी देखिए, आज हल्द्वानी के लिए ये ऐतिहासिक दिन भी कहा जाएगा क्योंकि लगभग 1 अरब 13 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी शहर के आंतरिक सड़कों के लिए 20 करोड़ रुपए की मंच से घोषणा भी की है। तो कहीं ना कहीं कई जो लाभ की योजनाएं हैं आमजन के लिए उनको भी लॉन्च किया गया है। खासकर जो आयुष्मती योजना है, इसमें जो है पूरे नैनीताल जिले की 550 महिलाएं ऐसी चिन्हित की गई हैं जो बुजुर्ग हैं, निर्धन हैं, उनको इलाज कराने में भी दिक्कत आती थी, तो उनको एक प्रशासन की तरफ से आई कार्ड उपलब्ध कराया गया है। उस आई कार्ड के माध्यम से वो महिलाएं सीधे बिना किसी झिझक के किसी भी अस्पताल में कहीं भी अपना उपचार करा सकती हैं, उनको कोई लाइन पर लगने की आवश्यकता नहीं है। तो तमाम ऐसी योजनाएं उन्होंने आज लॉन्च भी की हैं। इसके अलावा भूमिहीनों को पट्टे दिए हैं और जो वर्ग चार का मामला पिछले 4 दशकों से नैनीताल जिले में लंबित था उसका भी निदान हुआ है। 185 किसानों को जो है उनकी भूमि का मालिकाना आज दिया गया है। तो ये सारी चीजें सौगातें हल्द्वानी को मिली हैं। और इसकी दूसरी तरफ कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से जो है मुख्यमंत्री के दौरे का विरोध किया है क्योंकि हाल फिलहाल में जो शराब सस्ती करने का जो सरकार का निर्णय था उसके खिलाफ कांग्रेसी मुखर दिखाई दिए और विरोध भी जबरदस्त तरीके से हल्द्वानी में हुआ। तो कहीं ना कहीं एक दौरा जो है एक राजनीतिक रूप से ये मिला जुला दौरा मुख्यमंत्री का रहा। दिनेश, कांग्रेसियों को विकास नजर नहीं आ रहा इसीलिए लालटेन यात्रा निकाली जा रही है, तो जो आज विकास योजनाओं की यहां बात की गई सीएम द्वारा हल्द्वानी में, तो क्या हल्द्वानी में उन्हें विकास नजर आएगा? जी देखिए, यही बात मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कही कि जब ये सारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, 1 अरब 13 करोड़ की योजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, कुछ योजनाएं पूरी भी हो गई हैं, तो ये सारी योजना यही की है, कोई बाहर की नहीं है। तो लिहाजा जो है उनका ये कहना था मुख्यमंत्री का कि कुछ दिनों बाद इंदिरा गांधी खुद कहेंगे कि हाँ इस क्षेत्र में विकास हो रहा है जब ये योजना पूरी तरह से धरातल में उतर जाएंगी। तो फिलहाल उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को भी नकारा है और कहा है कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है विकास के बारे में, तो आने वाले 18 मार्च को पूरे प्रदेश में जो 70 के 70 विधानसभाओं में राज्य सरकार द्वारा इन 3 सालों में क्या विकास किया गया उसको लेके जो 57 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं वो अपनी विधानसभाओं में जनता को संबोधित करेंगे और अपने 3 साल के विकास कार्यों का लेखा जोखा उनके सामने रखेंगे। चलिए, तो दिनेश कह सकते हैं कि अगर लालटेन यात्रा में विकास खोज नहीं पाए कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेसी, तो कहीं ना कहीं इसे दिखाने का काम खुद बीजेपी के नेता करेंगे, लीडर्स करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।